बच्चे के पैदा होने के बाद उसके जीवन के पहले 28 दिन उसके लिए बहुत मुश्किल भरे होते हैं, जिसमें हमें बच्चों की खास देखभाल और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय बच्चों के लिए बेहद नाजुक होता है। इस समय बच्चों को इन्फेक्शन और बीमारियों का खतरा रहता है। तो ऐसे में अगर आप भी नई नई माँ बनी है तो जाने हमारी इस खास रिपोर्ट में चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सलाह कि कैसे हम नवजात शिशु की 28 दिनों तक विशेष देखभाल करके उन्हें इन्फेक्शन और कई बीमारियों से बचा सकते हैं। मैं डॉक्टर वीना दुआ हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन मेरठ मेडिकल कॉलेज से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन कलावती हॉस्पिटल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से करा है, दिल्ली में। हाँ, अगर मैम ने जैसे कि आपने बताया कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, तो अगर मैं बात करूँ जैसे जो नवजात शिशु होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी, उनकी कहते हैं कि 28 दिनों तक काफ़ी अच्छी देखरेख देखभाल करनी चाहिए, वरना उन्हें कई बीमारियों का खतरा रहता है। तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए, कैसे देखभाल करें, कौन सी वो बीमारी होती है जिनका खतरा बच्चों को रहता है? देखो, जो फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ लाइफ होते हैं बच्चे के, उसको न्यूनेटल पीरियड कहा जाता है। उसमें बच्चे की स्पेशल देखभाल करनी चाहिए, जैसे कि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो, दूसरों के कांटेक्ट में कम आए। मदर को ख्याल रखना चाहिए कि जो पहले डिलीवरी के बाद जो पहले दूध आता है, पीला होता है, पतला होता है, उसको निकाल कर फेंके नहीं, वो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। और जो बच्चा पैदा होता है तो उसके स्किन के ऊपर थोड़ी सी लेयर होती है, वर्निक्स केज्यूसा जिसको बोलते हैं, उसको रिमूव नहीं करना चाहिए, वो बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। वो ग्रेजुअली अपने आप हट जाएगी, उसको ज़बरदस्ती कॉटन से या कपड़े से रिमूव ना करें, ठीक है। और बच्चे को विद इन हाफ एन आवर दूध पिला देना चाहिए, मतलब आधे घंटे के अंदर उसको? नहीं नहीं, पैदा होने के आधे घंटे के अंदर दूध बच्चे को पिला देना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। और मदर की कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अपना दूध पिलाए, ऊपर का दूध नहीं दे, ठीक है। अपने दूध में एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को प्रोटेक्ट करती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और क्या कहते हैं, ऊपर का दूध उन्हीं कंडीशंस में दिया जाए जब मदर का मिल्क सेक्रेशन नहीं हो रहा या कम हो रहा है, ठीक है। और ऊपर के दूध डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क पाउडर्स आते हैं, टिन्स में आते हैं, वो दे सकते हैं। नहीं तो मदर ऐसे करे, दूध कम आ रहा है तो दिन में 3 बार दूध आप पिए, सुबह शाम दलिया खाए, थोड़ा जीरा खाए, उससे मिल्क का सेक्रेशन इंक्रीज होएगा। हाँ, और हर 2 घंटे में बच्चे को ब्रेस्ट से लगाए तो उससे भी दूध आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर वो ऊपर का दूध देगी तो उसका मिल्क कम आएगा, ठीक है। और बच्चे को कोशिश करे कि कम से कम लोगों के कांटेक्ट में आए, क्योंकि जब बच्चा वर्ल्ड में आता है तो उसकी रेजिस्टेंस लो है, लोगों से मिलेगा, ज़्यादा लोगों से तो इसको इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, अब इंक्रीज हो जाते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए। नहलाना तो फर्स्ट डे नहीं नहलाए, फिर नहलाना शुरू करें, डेली नहलाएं। हाँ हाँ, विंटर्स हैं तो गर्म पानी से नहलाएं, समर्स में टैप वाटर से, और उससे हाइजीन मेंटेन रहेगी, क्योंकि अगर आप स्पंजिंग करोगे तो चाहे जितने भी अच्छे से करो उतना क्लीन नहीं बच्चा रह पाएगा जो जितना नहलाने के बाद, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए न्यूबॉर्न बेबी ताकि वो स्वस्थ रहे। हाँ, और जन्म के एकदम बाद उसको लगते हैं हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट इंजेक्शन लगता है, टीबी का इंजेक्शन लगता है, और पोलियो ड्रॉप्स देते हैं बिफोर द बेबी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। फिर उसके बाद 6 हफ्ते पर टीके लगते हैं, ठीक है। हाँ सारे, और टीके बच्चों को टाइमली लगवाने चाहिए बीमारियों से बचाव के लिए, ठीक है। आकांक्षा दीक्षित, लोकल 18, दिल्ली।